शख्स हूँ जो हर दिलों पे राज करता हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो हर दिलों पे राज करता हूँ। कोई कष्ट हो तो चले आना मेरे पास, कोई कष्ट हो तो चले आना मेरे पास, मैं इंसान हूँ, इंसानियत पे विश्वास करता हूँ। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 37वें एपिसोड में, हर एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं। उनके उन्होंने क्या नया क्या अच्छा किया, आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम हर्ष सिंह। डॉक्टर राम हर्ष सिंह को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर राम हर्ष सिंह ने 1961 में फर्स्ट रैंक से आयुर्वेदिक इन मेडिसिन की शिक्षा ली थी बनारस यूनिवर्सिटी से। 1964 में आयुर्वेदा डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया सब प्रोफेसर। 1973 से लेकर के 85 तक वो ऐसे रीजन कार्यरत थे। 85 से 2001 तक डिपार्टमेंट के हेड रहे और गाय चिकित्सा विभाग के, उसके बाद 2001 से 2003 तक डीन रहे फैकल्टी के। 2003 में उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी राजस्थान, वहां के फाउंडर और वाइस चांसलर। डॉक्टर राम हरि सिंह को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई जाने कितने अवार्ड सम्मानित किए। उन्होंने 15 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत सारे पेपर को खुद सुपरवाइज भी किया और लिखा भी। सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके अर्ली लाइफ से स्टार्ट करता हूँ, जीवन से, बचपन से। कैसा दौर था आपका उस समय जब आपने ये शिक्षा सोचा कि मैं आयुर्वेद की शिक्षा मेडिसिन में लूंगा? मैंने ऐसा सोचा नहीं, सोचा नहीं आपने? ये मेरे पर कंपल्शन था कि मैं यही करूं, क्योंकि ये दौर था 1954 से लेकर 61 तक जो मैं महाविद्यालय था। मैं मेरा जन्म तो एक गांव में हुआ था, आलमगढ़ जिले में, मऊ जिला, उस समय आलमगढ़ था। मेरे भाई यहाँ पढ़ते थे और उसमें ढेर सारे मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में केवल दो मेडिकल कॉलेज थे, एक आगरा में, एक लखनऊ में, जो बहुत महंगे थे, सब जा भी नहीं सकते थे, मैंने सुना भी नहीं था। मेरे भाई यहाँ ले आए और आयुर्वेदिक कॉलेज में भर्ती कराया। उस समय जो डिग्री कोर्स बीएचयू में था बहुत अच्छा चल रहा था, इंटीग्रेटेड कोर्स था, उसमें 7.5 साल की पढ़ाई होती थी, हाई स्कूल के बाद ही एडमिशन हो जाता था। 10+2 उसमें इंक्लूडेड था, उसको प्री मेडिकल कोर्स कहते थे। अच्छा, उसके माध्यम से मैं यहाँ रहा और 61 में मैं स्नातक हुआ। 1961 वो वर्ष था जब मालवीय जी का शताब्दी मनाया गया था, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। बहुत अच्छा माहौल था यहाँ, बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ, जवाहरलाल नेहरू आए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी आए। ये मूर्ति जो सामने लगी है उसी समय लगाई गई थी। अच्छा, भारत कला भवन का उद्घाटन भी नेहरू जी ने किया था, उसी समय किया था। तो वो ऐसा माहौल था, उत्साही माहौल था जब मैं स्नातक हुआ था। फिर मैं यहाँ काम करने लगा, इंटर्नशिप की, फिर मैं एक सीवा रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च किया। डॉक्टर रूपा यहाँ डायरेक्टर होकर आ गए थे, उनके निर्देशन में 1 साल तक। फिर मैं सीनियर एजेंट हो गया, फिर 64 में रेगुलर लेक्चर और उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, उसमें लेक्चर रीडर प्रोफेसर होते थे। और 10 साल बाद 1974 में मैं रीडर हुआ और 85 में प्रोफेसर हुआ। एचओडी 4 बार रहे, 4 राउंड्स। Then you became dean, is it? I became dean 2003, मैं डीन था। फिर आपने राजस्थान से एक साल में साउथ कोरिया में वोंगकॉन यूनिवर्सिटी में चेयर प्रोफेसर था। अच्छा, आयुर्वेद का एक विभाग स्थापित किया गया तो एक साल में वहाँ माउंट मेडन में भी यूएसए में आप स्थापित। अभी वो तो हाँ, मैं अभी भी जाते हैं 10 साल से विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ, तो हाँ फुल टाइम चेयर प्रोफेसर थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा था वहाँ माहौल, धीरे धीरे पिकअप हो रहा था कि आयुर्वेद बाहर भी लोग जाने लगे। और अब तो हालात ऐसे हैं कि
अरविंद केजरीवाल बाहर ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा। तो इस तरह से मेरा करियर। आपने अपनी पीएचडी जो है डॉक्टर के एन उड़प्पा के अंदर 1916 में कंप्लीट किया जी, कैसा मार्गदर्शन था? बहुत ही अच्छा। डॉक्टर उड़प्पा बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी वाले थे, देखने बहुत हैंडसम थे, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, बहुत इनकरेज करते थे, कोई डिक्टेट नहीं करते थे, तुमको ये रिसर्च करना है, जो चाहो करो, टॉपिक बता, सुपरवाइजर का काम है टॉपिक बताना और बाकी सब काम तुम्हारा। जब उन्होंने मैं रजिस्टर किया, टॉपिक मुझे बताया, मैंने रिसर्च किया था किडनी रिजनरेशन का, जो आयुष की ड्रग्स हैं उनमें से क्या कोई हेल्प कर सकती है किडनी रिजनरेशन, रिजनरेशन उस समय अभी भी इम्पोर्टेंट थी। तो उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बातें समझाई और ये डायरी भी दिया है अपनी तरफ से, मोटी डायरी दिया, जो कुछ करना है इस पर रोज लिखना, सब कुछ लिखना। फिर जब मैंने चलते समय टॉपिक लिख दिया, देखो ये टॉपिक तुम्हारा है, ऐसा ऐसा करना होगा, मैं चलने लगा तो मैंने पूछा सर फिर दोबारा कब मिले आपसे, कोई जरूरत नहीं मिले की, मैंने काम सब कर दिया, सुपरवाइजर हैज डन द जॉब, बाकी सब आपको करना, ये उनका सब प्रोविजन था। आई वॉज हिज फर्स्ट पी एच डी, ही हैज प्रोड्यूस्ड 50 पी एच डी, 50 लोगों ने पी एच डी किया था, मैंने सबसे पहले सबमिट किया 69 सबसे पहले समिट, बहुत सारे रजिस्टर हुए सबमिट नहीं कर पाए, लोग देर लगाते हैं, मैंने पूरे 3 साल में सबमिट कर दी, बहुत खुश थे वो। आयुर्वेदिक को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए आयुर्वेद शब्द का मतलब ही होता है साइंस ऑफ लाइफ, आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स साइंस, वेद शब्द का अर्थ होता है विज्ञान, विशेष रूप से किसी चीज को जाना वो ही वेद है, वेद का अर्थ यही होता है, जब कोई व्यापक ढंग से किसी चीज को समझा जाता है तो वैदिक ज्ञान कहा जाता है। तो आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, परिभाषा यही है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। तो आप चार कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान में रखते हैं, बॉडी को, सोल को, फाइव सेंसेस को और स्पिरिट को, बॉडी सोल माइंड एंड फाइव सेंसेस, इसका क्या रोल है? ये देखिए ये जो आपने बात बहुत शास्त्रीय बात करी, चरण संहिता में आयु को परिभाषित किया गया है, हमें तो कहते हैं आयु मीन्स लाइफ, बट व्हाट इज आयु? शरीरेंद्र सत्वात्म संयोगो धार जीवितम्, शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चारों का जो एकीकरण है, एकाकार है, वो आयु है, ये चार जो है एक साथ, ये चारों आपस में रोल कैसे प्ले करते हैं? देखिए कंट्रोलर तो परमात्मा है, रिलीजन नहीं है, विज्ञान है कि एक जो व्यापक सार्वभौम कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वही हम सबके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको एयर टाइट बॉक्स में रख दिया जाए पैदा होते ही आप अनकॉन्शियस रहेंगे, कॉन्शियस हो ही नहीं सकते, कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम कॉस्मॉस, वो कॉस्मॉस हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, सब सबके अंदर है, वही है, लेकिन आपकी बॉडी माइंड ये सब अलग अलग है। तो कॉन्शियसनेस तो चेतना वहाँ से आई, लेकिन चेतना जो है वो मैनिफेस्ट नहीं करती है, मैनिफेस्ट करती है माइंड के माध्यम से, आपका मन आपकी इंद्रियाँ इन से मैनिफेस्ट होता है। तो ये कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने के ऑपरेटर्स सेंसेस और माइंड, सेंसेस एंड सोल सॉरी साइक, ये उसके ऑपरेटर्स हैं जिसके माध्यम से वो मैनिफेस्ट होते हैं, सब कनेक्टेड है, नथिंग इज डिस्क्रीट, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए चलते हमारे यहाँ माना जाता है, ये तो मॉडर्न साइंस ही मानता है। डिवाइन का रोल क्या है इसमें? अब देखिए डिवाइन जो है केवल एक शब्द है, आपने डिवाइन कह दिया तो देवता आ गए वहाँ और उसका कोई खास बात नहीं, एवरीथिंग इज डिवाइन, दिस यंग मैन इज डिवाइन, ही इज ऑल्सो ए डिवाइन, डिविनिटी है, व्हेन यू आर नियरर टू द कॉन्शियसनेस यू आर डिवाइन, जो चेतना से नजदीक है वो
दूर होता गया और डिग्निटी कम होती गई। आयुर्वेद बीमारियों को कैसे पकड़ता है? How you diagnose? How you make diagnosis? Yeah, how you make diagnosis? देखिए आयुर्वेद में डायग्नोसिस, आयुर्वेद की तो मान्यता ये है कि मैं, मेरा स्वास्थ्य और मेरी व्याधि, ये तीनों हमारे पर्यावरण की उपज है। वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और हेल्थ इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट और डिसीज इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एवरीथिंग इज फ्रॉम एनवायरनमेंट। हम बैक्टीरिया वायरस को दोष अनावश्यक देते हैं। वो पर्यावरण में है, आपके अंदर कोई कमी हुई तो आपके पास आ गए, ये हमारी मान्यता है। इसलिए हम लोग सारा बैक्टीरिया वायरस को ज़्यादा दूर नहीं लगाते, एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। तो डायग्नोसिस करने का तरीका जो है वो व्यापक है, क्योंकि आयु यानी जो लाइफ फोर डायमेंशनल है, इसलिए हेल्थ भी फोर डायमेंशनल हो, हेल्थ भी फोर डायमेंशनल हो, फिजिकल हो हेल्थ होगा, मेंटल हेल्थ होगा, सेंसोरी हेल्थ होगा, वो भी फोर डायमेंशनल। तो जब कोई व्यक्ति रोगी आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले तो उनके हाल चाल पूछते हैं, बस बात करते हैं, बात करते हैं। आयुर्वेद में कहा प्रश्न परीक्षा कहते हैं, प्रश्न परीक्षा इंट्रोगेशन, वही मॉडर्न मेडिसिन में भी होता है। तो क्या सवाल होते हैं? सवाल तो पहले जानना चाहते हैं तुम यहाँ आए थे। अच्छा, क्या हुआ? वाई यू आर इन हॉस्पिटल में क्यों आए? तो धीरे धीरे वो बताएगा। हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का उसका जो कहते हैं अवशेषांश बचा हुआ है उसकी चर्चा करें तो निगेटिव बात करेगा, वो रोग की बात ज़्यादा करेगा। तो कोशिश करते हैं कि उसको फोकस करें वेलनेस पर। ठीक है, आप बीमार हैं, आपका 100% हेल्थ में से सपोज 75% हेल्थ खत्म हो गया, 25% स्वास्थ्य अंश है, उधर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए प्रश्न करते हैं, कोशिश करते हैं उनका ध्यान पॉजिटिव हो। फिर उसकी समस्याएं भी सुनते हैं और मेन चीज जो करते हैं हम उसके उसका व्यक्तित्व जाने का प्रयास करते हैं, और प्रकृति कहते हैं उसको। हमारे यहाँ सिद्धांत है बात पिक कफ तीन दोष माने जाते हैं, वो तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में है और उन तीनों का जो प्रोपोर्शन है उसी से डिसाइड होता है कि हम कैसे दिखाई पड़ेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे। यानी प्रकृति इज सम टोटल ऑफ फिजिक, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यह भी कहता है। तो पहले हम उसकी कोशिश करते हैं जाने की इसकी प्रकृति क्या। प्रकृति जो है ओरिजिनल है, वो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसे उसको तय कर देते हैं भाई ये तो ये बात प्रधान है व्यक्ति बाई बर्थ, समझ गए ना, या पित्त प्रधान है या कप प्रधान है या उसका मिक्सचर है तो दोनों से किसका मेकअप है, हाँ ये उसके बारे में धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि आदमी जो हमारे सामने बैठा है बीमार है या अस्वस्थ है ये पित्त प्रकृति वाला है। पहला डायग्नोसिस हो गया, हमें प्रकृति मालूम हो गया, तब हम उसकी विकृति जाने का प्रयास करते हैं। विकृति बने रोग, रोग क्या है उसके बारे में, उसके बीमारियों का लक्षण जानने की कोशिश करते हैं। फिर भी उस वहाँ भी हम पूरी कोशिश करते हैं जानने का कि इसको जो विकृति है रोग है वो किस दोष की प्रधानता है, उसमें किस दोष की प्रधानता। हाँ, जैसे कोई सा रोगी है तो उसको बहुत पेन होता है, ज्वाइंट्स में स्वेलिंग है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये बात के लक्षण हैं, या उसको स्वेलिंग है, ओबीस है, डायबिटिक है, कफ प्रधान लक्षण है, या किसी को बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हाइपरटेंशन जैसे रोग हैं, उसको पेट में जलन हो रहा है, एसिडिटी है, तो वो पित्त प्रधान रोग है। इससे हम अंदाज लगाते हैं कि इनका जो रोग है प्रकृति है और विकृति इस प्रकार से इस तरह का अर्थ करते हैं। दूसरी चीज हम लोग ये नाड़ी देखते हैं, हालांकि नाड़ी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम है, ये सब मध्यकाल में आया है, इसकी गति देखते हैं, नाड़ी की गति देखते हैं और इसको भी कैटेगराइज करते हैं कि बात प्रधान गति है। आपकी नाड़ी पित्त प्रधान है,
से पेट का खाना तीनों दोष होंगे, तीनों तो अकेले नहीं रहते, तीनों साथ में रहते हैं, लेकिन कौन सा इसमें डोमिनेट कर रहा है, उसकी मदद कर देते हैं। तो कैसे पता करें जब तीन हाथ आपने लगा, मुझे तो आवाज में नहीं हुआ कि आपने क्या किया। आवाज नहीं, हमने उंगली रखी है, हमारे तीन उंगलियां जो हैं, यहाँ जो नाड़ी चल रही है, ये चल रही है, वो चलने की गति एक तेज चल रही है, स्लो चल रही है। अच्छा, जो गति तेज चल रही है तो कौन है? बात तेज चलाएगा। अच्छा, बात तेज चलाएगा। अच्छा, स्लो चल रही है। और स्लो चल रही है तो बात कम है, कफ ज्यादा है। तो फिर जैसे आपने मुझे बता रहा हूँ, देखिए जब गति जो है, जो रेट है बात का, बात कर रहा है, और वो कितना जंप कर रही है, उसका जंप एम्पलीट्यूड जिसको कहते हैं, वो कितने का होता है। और आप यूं रखेंगे तो कभी लगेगा कि हमारी उंगली के अंदर जो आखिरी पल्सेट कर रही है वो खून से भरी हुई है, फुल है। कभी लगता है कि ये एम्प्टी जैसी है, हाफ हाफ फुल है, उसको आलोक कहते हैं। अगर कफ ज़्यादा है तो लगेगा कि फुल है, खून भरा हुआ है। तो पित्त प्रधान नहीं, कफ प्रधान होता है। कफ प्रधान तो पित्त प्रधान कौन होता है? पित्त प्रधान जो जंप ज़्यादा करता है, जो उछलने वाला, उछलने वाला। अच्छा, उसको उदाहरण दिया है, सर्प गति, मंडूक गति और हंस गति। जैसे सर्प चलता है ना, तेज चलता है, उछाल नहीं होता, जमीन पर ही रेंगता है, वो क्रॉलिंग पल्स होती है, वो बात के करते हैं, क्रॉलिंग पल्स कहते हैं। सर्प गति सर्प के समान चलने वाला। मंडूक, अगर यहाँ एक मेढक रखो, उनके पास जाना कैसे जाएगा, वो जंप करके जाएगा, जंपिंग यह पित्त का लक्षण है। हंस, हंस भी पक्षी है, पैर भी है, आराम से धीरे 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 चलता है, बड़े बड़े जब पैर से चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, फूली फाल मारेगा, वो चलेगा। वो कफ, कफ धीरे चलने वाला चाहिए, कफ मंद गति, कफ प्रकृति वाले लोग भी, वो शरीर बल्कि होगा, सुंदर होगा, वेल फॉर्म्ड होगा, स्माइली होंगे, हैप्पी होंगे, थोड़ा बल्कि होंगे, और धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी नहीं मचाएंगे, बात वाले हर बात में जल्दी मचाएंगे। तो प्रधान कौन होता है आपकी से तीनों में से? तीनों प्रधान है, तीनों प्रधान, तीनों का अपना अपना रोल है। तीनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप नर चेक करते, उसके बाद क्या करते हैं? हमको अब इस पता चल गया कि इनकी प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, तब उनकी चिकित्सा प्लान करते हैं। पंचकर्मा समझना है मुझे, पंचकर्मा मैं बताऊंगा आपको बाद में, पंचकर्मा बाद में आता है। जो आपने सवाल किया कि करते क्या हैं, एक सिद्धांत है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्तनम। निदान कहते हैं काज को। ये सब बात करते करते आपको पता भी लग जाएगा कि इसको ये रोग क्यों हुआ है, तो उसके रोग के हेतु को दूर करना पहला सिद्धांत। रोग क्यों हुआ ये पता चलेगा, अंदाज लगेगा, भाई इनको रहन सहन में कोई दोष है, खान पान में कोई दोष है, इसलिए है। तो जब तक उसको दूर नहीं करेंगे रोग अच्छा नहीं होगा, दवाई देते रहिए। इसीलिए आजकल बहुत सारे रोग जितने होते हैं, चिकित्सक लोग दवाइयाँ पर दवाइयाँ देते हैं, लाभ तो जरूर होता है लेकिन क्योर नहीं होते हैं। तो रोग के हेतु को दूर करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत है शरीर को संशुद्ध करना, प्योरीफाई करना। ये पंचकर्म जो आप कह रहे हैं ये प्योरीफिकेशन की प्रक्रिया है, उसमें पांच कर्म होते हैं, उसे करवाते हैं, पवन पेरेशन वस्ती इत्यादि देते हैं, डिटेल प्रोसीजर है वो। तो शरीर अंदर से शुद्ध होता है, जो बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रुके हुए हैं वो निकल जाते हैं। सर कैसे निकलते हैं, मतलब पंचकर्म ऐसा क्या प्रोसेस है? मतलब पंचकर्म समझ में आता है कि पांच फॉर्म से हमारा बॉडी बना है, इसलिए आप कोई प्रोसेस को अपनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि नारी से लेकर के छोटे छोटे ऑर्गन वो सब शुद्ध हो जाते हैं? देखिए ये आप हर चीज तो कनेक्टेड है ना, अगर हमने किसी रोगी को बमन करा उल्टी कर रहे, जो जब मरीज कहते हैं जब पेशेंट वॉमिट कर रहा होता, बमन कर रहा होता है, इन द पेशेंट इज वॉमिटिंग, एवरी सेल इज वॉमिटिंग, बस समझ ना, शरीर की हर कोशिका वॉमिट कर रही है, अपने टॉक्सिन्स को निकाल रही है, और सब प्रेशर ग्रेडियंट से जुड़ा हुआ है। या किसी प्रगेटिव दिया पेट साफ,
तो उसमें भी एवरी सेल इज बर्जी ये सिद्धांत है। आपका पर्पस केवल उल्टी करा देना नहीं है, आपका पर्पस है कि आपका संशोधन प्रक्रिया जो है सेलुलर लेवल तक जानी चाहिए, तो इसलिए करवाते हैं। दूसरी चीज से आजकल केरला में, आजकल नहीं बहुत दिनों से केरला में बाह्य पंचकर्म से हम स्वेदन मसाज करते हैं, स्वेदन ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन से भी संशोधन होता है, प्योरीफाई करने का तरीका है। और जब शरीर की कोशिकाएं या सेल्स प्योर रहेंगे, क्लीन रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स क्लियर रहेंगे, तो जो कुछ भी भोजन हम लेंगे वो भी ठीक से फंक्शन होगा, उसका प्रवाह अच्छा होगा। जो दवाइयाँ देंगे वो कम दवाई की मात्रा भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसलिए किया जाता है। कितने दिन का ये पंचकर्म कितना समय लेता होगा? देखिए अब ये तो रेगुलर क्लासिकल पंचकर्म का महीना भर लगता है, लेकिन आजकल किसको टाइम नहीं है तो सात दिन में दो हफ्ते, यहाँ तो दो हफ्ते करते हैं, दो हफ्ते हर दिन आना पड़ेगा। कितने समय का होता है? एक घंटा होता है। करते क्या है किसी का? देखिए उसका कुछ पूर्व कर्म हिस्सा होता है, मरीज को अध्ययन करते हैं, मालिश करते हैं, सेकाई करते हैं, फिर जो मरीज अच्छे स्वास्थ्य में होता है उसको वमन करवाते हैं एक बार, एक दिन और एक दिन परगेटिव देते हैं, परगेशन देते हैं, और फिर बस्ती देते हैं, नीमा के माध्यम से कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। ये तीन प्रधान है, पवन वेरिएशन बस्ती कहते हैं, ये तीनों मेजर संशोधन प्रक्रिया है। लेकिन जो शुरू का जो पूर्व कर्म है स्नेहन स्वेदन, वो अपने आप में भी संशोधन करता है, तो बहुत लोगों को तो वहीं तक रोक दिया जाता है, वहीं तक अध्ययन किया, मालिश किया, शिकायत किया, छोड़ दिया। अगर जरूरत नहीं है या मरीज इतना कमजोर है कि हम नहीं करवा सकते उसको, अच्छा बहुत सारे विचार नहीं है। सब कर्म पे आपने बहुत बोला है, बोला कि कर्म से डिजीज होता है, मतलब आपके पुराने कर्म जो पिछले जन्म में जो पुराने बुरे कर्म किए थे, इस जन्म में अगर आप बीमार है तो पुराने कर्मों का है, तो रीबर्थ एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या कर्म से हमारे डिजीजेज होते हैं? ये अभी नहीं माना गया है, उसको देवी फासर चिकित्सा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमारे कर्म का सिद्धांत है, फिलोसफी में भी कर्म का सिद्धांत है। ये जो इंडियन ट्रेडिशन है, ये चाइनीज ट्रेडिशन भी पास्ट लाइफ में विश्वास करता है, पास्ट लाइफ में विश्वास जरूर, इस लाइफ के बाद जो आप आदमी शरीर छोड़ता है तो फिजिकल बॉडी छोड़ता है, जीव दूसरी जगह चला जाता है, तो वो चलता रहता है जब तक उसको क्या कहते हैं मोक्ष ना हो, ये ना मान्यता है। आयुर्वेद उसी बात को मानता है, आयुर्वेद उसको डिनाई नहीं करता है, वही बोलता है लेकिन उसके बावजूद बल नहीं देता, क्योंकि वो ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, इसलिए नहीं करता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत तो कई लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों को बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं, जीन्स के माध्यम से आ रही हैं, जेनेटिक है, वो कर्म से होती है। हम लोग सामान्यतः जो लोग इसमें थोड़ा बहुत रुचि देते हैं वो करते हैं, अगर कोई रोगी आए आपके पास उसको कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा क्यों हुआ ये रोग, फिजिकली कोई हेतु उसका नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कोई चिकित्सा काम भी नहीं कर रही है, ये इस बात का इंडिकेटिव है कि हो सकता है उसको द्रवीकृत रोग हो, समझ रहे हैं, और फिर उसको देखभाल चिकित्सा करने की तरफ सजेस्ट किया जाता है। मैं तो नहीं करता उसको, मेरा ज़्यादा प्रवेश नहीं है, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ढंग से करते हैं। मतलब कर्म बहुत रोल प्ले करता है, कर्म बहुत रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण है कर्म। हाँ सिद्धांत, लेकिन उसका उतना वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो सर अच्छा कर्म बुरा कर्म कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा कर्म बुरा है? देखिए जो कर्म जो है सबके हित में हो वो अच्छा कर्म है, सबके हित में, आपके भी हित में हो, सबके हित में भी हो, लेकिन सब कुछ हम लोग करते हैं हम लोग हित में थोड़ी ना, जो सबके हित में है, सर्वजन हिताय हो, स्वार्थ से परार्थ, परार्थ से परमार्थ की तरफ ले जाता है, अच्छा
स्वार्थ, स्वार्थ से परा, पर का दूसरे का उसका परमार्थ, वो अच्छे वाला रास्ता है। आपको सब कुछ अपनी तरफ ही खींच रहे हैं, परमार्थ से परा, परा से अपनी तरफ ला रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं। तो बोला था हम लोग नोबडी टू से दिस, लेकिन मेरी अपनी समझ है इसलिए। आयुर्वेदा कितना सक्षम है, कितना सफल है किसी भी रोग को जड़ से हटाने के। देखिए आयुर्वेद में मुख्य रूप से प्रमोटिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन है, यानी स्वास्थ्य को प्रमोट करना। आयुर्वेद बीमार चिकित्सा का काम केवल बीमार को देखा नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ रखना भी उसका काम है। आयुर्वेद का जो उद्देश्य बताया गया ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरता से विकार प्रसन्न, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला सिद्धांत है। तो हेल्थ प्रमोट करना, दूसरा ऐसे उपाय करना कि रोग ना हो, प्रिवेंटिव जो कहते हैं, और फिर तब क्योर की बात आती है। क्योर कम नहीं, कम नहीं है क्योर, जरूर क्योर को बल नहीं है, ये हम आपकी बात मान सकते हैं कि विटामिन की आयुर्वेद इज प्रमोटिंग प्रिवेंटिव, लेकिन प्रिवेंशन प्रमोशन कराने तो कोई नहीं आता है आपके चिकित्सक के, तो क्योर में ही जाना होगा। और क्योर को डिनाई नहीं किया है, आयुर्वेद ने तो ये कहा कि कोई बीमार हो तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, भरपूर करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक उसे कंठ में प्राण हो, तब तक उसकी चिकित्सा करते रहिए, ऐसा निर्देश है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। तो ऐसे में अपना अनुभव है, मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के आधार पर कह रहा हूँ कि जो बहुत सारी एक्यूट बीमारियाँ आजकल होती हैं, एक्यूट फर्मिनेटिंग एमरजेंसी सिचुएशन वाली या ट्रामा वाली बहुत हैं, इंजरी से होती हैं, वो हमारे सेक्टर के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए और इमरजेंसी केयर चाहिए, लाइफ सेविंग मेजर चाहिए, उनको मॉडर्न मेडिसिन नहीं जाना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम क्रॉनिक इलनेस। तो क्रॉनिक मैनेजमेंट में आयुर्वेद स्ट्रॉन्ग है, आयुर्वेद स्ट्रॉन्ग है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन डिजीज एंड क्रॉनिक मैनेजमेंट। क्रॉनिक मैनेजमेंट में कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी कि इंडिपेंडेंट चिकित्सा आयुर्वेद से हो सकती है, कईयों में एडजंक्ट होती है, आजकल एडजंक्ट बोलते हैं। और हमारे पास रोगी कोई आया डायबिटीज रोगी बन गया, कोई आप ये डॉक्टर हैं उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, पूरी दवाई वाई दे रहे हैं, बहुतों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छा मॉडर्न मेडिसिन ने काफ़ी सफलता हासिल करी है, लेकिन कई बार पूरी दवाई देने के बाद भी शुगर कम तो हुआ, कंट्रोल पूरी तरह कंट्रोल्ड कहते हैं वो नहीं हुआ। ऐसे में मैं प्राय क्या करता हूँ, भाई जो दवाई ले रहे हो लेते रहो, साथ में ये भी लेना। तो मॉडर्न मेडिसिन की मात्रा घटा बढ़ाने की जगह आप इसको एडजंक्ट दीजिए और कई बार कंट्रोल हो।